पेट्रोल की कीमतों ने नए साल में रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। 7 दिसंबर को आखिरी बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों ने 29 दिन का ब्रेक लिया था। इसके बाद 6 जनवरी को पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी आई और 7 जनवरी को दिल्ली में पेट्रोल 84.20 रुपए तक के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार बढ़ोतरी का सिलसिला थमेगा या ऐसे ही जारी रहेगा। वैसे इस तेजी के जल्द रुकने के आसार नहीं है। ओपेक समझौते और तेल उत्पादन में भारी कटौती के सऊदी अरब के एकतरफा फैसले के बाद अब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। पेट्रोल पहले ही अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। 4 अक्टूबर 2018 को पेट्रोल का प्राइस दिल्ली में 84 रुपए प्रति लीटर के ऑल टाइम हाई पर था। डीजल जरूर रिकॉर्ड हाई से दूर है, जो उसने 30 जुलाई 2020 को 81.94 रुपए प्रति लीटर के साथ बनाया था। दरअसल सऊदी अरब का मंगलवार को किया गया एक तरफा ऐलान इस तेजी की वजह है। इसमें सऊदी अरब ने अपने तेल उत्पादन में कटौती करने की जानकारी दी थी। इससे क्रूड प्राइस को सहारा मिला और वो उछलकर 10 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले बैंड क्रूड 24 फरवरी 2020 को आखिरी बार $50 प्रति बैरल से ऊपर $50.52 पर बंद हुआ था। WTI भी इससे पहले 17 से 14 फरवरी के हफ्ते में $53 से $44 की रेंज में ट्रेंड कर रहा था। मंगलवार के ओपेक प्लस समूह के समझौते के तहत सऊदी अरब ने फरवरी और मार्च में 10 लाख बैरल रोजाना की उत्पादन कटौती का एक तरफा ऐलान किया था। वहीं समझौते के तहत रूस और कजाकिस्तान को 75,000 बैरल रोजाना उत्पादन बढ़ाने की अनुमति मिली। ग्रुप के बाकी सदस्य अपने उत्पादन को पुराने स्तर पर ही कायम रखेंगे। इससे कुल मिलाकर फरवरी और मार्च का उत्पादन मौजूदा स्तर से 9.25 लाख बैरल रोजाना घट जाएगा। वहीं उत्पादन बढ़ाने की इराक, संयुक्त अरब अमीरात और नाइजीरिया की पुरानी गुजारिश खारिज हो गई है। लेकिन अभी तो महंगाई का ये ट्रेलर कहा जा सकता है, क्योंकि असली पिक्चर तो फरवरी मार्च में दिखाई देगी। ओपेक प्लस ने दिसंबर में हुई बैठक में फैसला किया था कि जनवरी से 5 लाख बैरल रोजाना उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इस फैसले पर ओपेक प्लस मंगलवार की 13वीं बैठक में भी कायम रहा। यानी जनवरी 2021 में उत्पादन कटौती 77 लाख बैरल रोजाना से घटकर 72 लाख बैरल रोजाना के स्तर पर आ गई है। लेकिन फरवरी और मार्च में कटौती का स्तर फिर से बढ़कर 81.25 लाख बैरल रोजाना पर पहुंच गया है। ओपेक प्लस का फैसला भारत पर सीधे इसलिए असर डालता है क्योंकि क्रूड के ग्लोबल प्रोडक्शन में ओपेक प्लस का हिस्सा करीब 40% है। भारत के कुल तेल आयात में ओपेक प्लस का हिस्सा 83% है। ऐसे में जनवरी में हुई सऊदी अरब की एक तरफा कटौती जितना परेशान करेगी, उससे कहीं ज्यादा असर तो ओपेक की फरवरी मार्च में होने वाली कटौती से होगा। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोरोना काल में जारी महामंदी के इस दौर में लोगों को महंगे पेट्रोल डीजल से निजात दिलाई जाए। इसके लिए सरकार को टैक्स घटाने पर विचार करना होगा। बीते 6 साल में एक्साइज का बोझ बढ़ते बढ़ते फिलहाल पेट्रोल डीजल के बेसिक प्राइस के मुकाबले 100% से ज्यादा हो गया है। पेट्रोल पर 2014 में करीब 9.5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो कि 2020 तक बढ़कर करीब 33 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं डीजल पर 2014 में 3.5 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अब ये 32 रुपए प्रति लीटर के नजदीक पहुंच चुकी है। महामारी के दौर में जब क्रूड ऑयल प्राइस कम था, तब भारत ने महज $19 प्रति बैरल के औसत प्राइस से अपनी रणनीतिक क्रूड भंडार भर लिए थे। ऐसे में सरकार के पास टैक्स घटाने की भरपूर गुंजाइश है।